सर, मैं सबसे पहले आपका नाम जानूंगा सर। मेरा नाम हुआ गुलाब यादव। गुलाब यादव, किस पार्टी से उम्मीदवार है सर आप? महागठबंधन से, आरजेडी का। जयनगर में आप आए हैं चुनाव, मैंने वोट के लिए सर आप आए हैं। हाँ, जयनगर में चुनाव अभियान में वोट के लिए मांगने आशीर्वाद। तो जयनगर की जनताओं के लिए क्या क्या अपेक्षाएं पूरी करेंगे आप? जनता को जो वादा करेंगे उस पर खरा उतरेंगे जनता के लिए। जयनगर में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, पूर्व के सांसदों ने, विधायकों ने उसको पूरा नहीं किया, और आपसे अपेक्षा की जा सकती है? पूरा 100% अपेक्षा, आप जो बोलेंगे वो करेंगे, जो वादा कर लेंगे उसको 100% पूरा करेंगे। सर एक बात और बताएंगे आप, मैं मीडिया कर्मी हूँ, सर्वे में जाता हूँ, लोगों से पूछता हूँ कि किसकी सरकार आपको चाहिए, किसको आप वोट देंगे, तो स्थानीय लोगों की चर्चा नहीं करके केंद्र के लोगों की चर्चा करते हैं। वो कहते हैं लालू को वोट देंगे, वो कहते हैं क्या कहते हैं मोदी को वोट देंगे, वो कहते हैं इसको क्या कहते हैं गांधी को वोट देंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे इससे? देखिए, महागठबंधन के वोट का कोई कमी नहीं है, आप हमेशा देख लीजिए। नहीं, उन लोगों की चर्चा नहीं कर, आपकी चर्चा नहीं करके उनकी चर्चा क्यों करते हैं लोग? सब अपेक्षा सब आदमी का है कि मतलब देखिए, जनता स्वतः मालिक है, जनता जिसको आशीर्वाद देगा उसी की सरकार बनाएगा, वही काम करेगा। सबसे बड़ा मालिक है जनता, जनता के हाथ में सब फैसला है। सर एक बार और बताएंगे, आप अपने बारे में अपनी पृष्ठभूमि बताएंगे सर, जो जनता को हम दिखा सके। नहीं, हम पृष्ठभूमि तो हम तो हमेशा राजनीति में जुड़े हुए हैं, हम 2006 में से राजनीति में, क्योंकि पंचायत समिति निर्विरोध हम चुने गए, लखनऊ ब्लॉक में प्रमुख चुने गए, दोबारा भी हमने फिर पंचायत समिति निर्विरोध हुए प्रमुख हुए, उसके बाद हमने 2015 में जनता का आशीर्वाद मिला, झंझारपुर विधानसभा के धरती पे जनता ने आशीर्वाद देकर हमको विधानसभा भेजा है। उम्मीद यही कर रहा हूँ कि इस बार झंझारपुर पार्लियामेंट का जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, हम पार्लियामेंट जरूर जाएंगे, जनता ने मन बना चुका है। अभी आप विधानसभा में थे सर जी, कहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे सर? झंझारपुर का। झंझारपुर का, तो झंझारपुर की विधानसभा, झंझारपुर विधानसभा, झंझारपुर का आपने प्रतिनिधित्व किया अभी तक जी, तो वहाँ के विकास कार्यों से आपने प्रभावित किया वहाँ की जनता को? 100% झंझारपुर जो विकास हुआ है आप ऑनलाइन देख सकते हैं, तो सरकारी रिपोर्ट है। तो जयनगर की जनता आपसे अपेक्षा करे कि उस तरह से आप कर पाएंगे? आप भी मीडिया कर्मी से आग्रह करेंगे कि आप झंझारपुर में आकर देखिए कि मेडिकल कॉलेज से लेके एनएम कॉलेज से लेके हॉस्पिटल से लेके रोड, पुल, पुलिया, समुदाय भवन, घाट, कितना विकास हुआ है आपको हम जो देख रहे हैं। आप जाकर सुई गिर जाएगा रोड पे तो आप मतलब रात को भी उठा सकते हैं, यहाँ की स्थिति नहीं है। यहाँ जो देख रहे हैं सुई के, आप ऐसे पैदल पार नहीं होंगे, गाड़ी को 4x4 लगा के हमारा गाड़ी पार करना पड़ रहा है, स्थिति है इतना जर्जर है। जी थैंक यू। विफलता है मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, डबल इंजन सरकार का काम तो हो नहीं रहा है। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे सर? देखिए, गठबंधन में जब हमारा गठबंधन में जो चुनाव जीत जाते हैं तो हम लोग सब बैठ कर, जितने दल है राजनीतिक दल बैठ के चुनाव उसमें कर लिया जाएगा, नेता चुन लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या तो अभी से दिख रही है, तो फिर आगे कैसे समस्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन का नेतृत्व कोई ना कोई तो मामला फाइनल जो नेता चुन लेगा, सब गठबंधन में जो बहुमत मिलेगा उसको बैठ कर हम लोग तय कर लेंगे आपस में किसको प्रधानमंत्री बनाना है। थैंक यू। जो बनेगा देश का विकास करेगा, जब लोग सरकार नहीं रहेगा, ये 2-2 करोड़ नौकरियां युवा का नहीं मिला है, ना 15-15 लाख का वादा किया, ये सिर्फ अमीरों की सरकार है, उद्योगपति की सरकार है। सिर्फ उद्योगपति बताइए कितने लोन माफ कर दिए, कितने करोड़, हजारों करोड़ का लोन माफ कर दिए नीरव मोदी, जितने मोदी जी का है सब मोदी मालिया सब पैसे लेके भाग गया, गरीब गुरुवार सब पैसे लेके भाग गया है। थैंक यू सर। मोदी जी को लेकर आपका क्या कॉमेंट रहेगा? देखिए, मोदी जी सबसे बड़ा झूठ बोलने का काम करते हैं, उसके दुकानदारी बोलने तो बहुत ही अच्छे बोलते हैं, झूठों से अपना बेचता है। समस्या है जो ना, सबसे बड़ा समस्या है ओवर ब्रिज का, यहाँ छोटा सा ब्रिज दे रहा है जिसमें मतलब जो है ना एक भी मतलब एम्बुलेंस पास हो पाएगा ना कुछ पास हो पाएगा, उधर से कोई गाड़ी आएगा तो टेम्पो आएगा इधर जाएगा, तो मतलब सबसे बड़ा समस्या। हम लोग सरकार बनेगा तो हम लोग जरूर यहाँ का जनता का कोशिश करेंगे बड़ा ब्रिज बने, जनता का समस्या का समाधान हो जाए, रास्ते भी बहुत जर्जर बहुत खराब है। प्रिंट में दिया और क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में दिया, बताइए। महागठबंधन में उसमें 3-4 इंजन का नाम ले रहा है।